ठीक है, आज क्या है, आज वेडनेसडे है। वेडनेसडे को क्या होता है, ठीक है, हर वेडनेसडे को एक्टिविटी डे होती है, उसमें मजे मजे की एक्टिविटीज होती है। कभी हम चाय बनाते हैं, किसी हम फ्रूट काटते हैं, किसी हम पेंटिंग करते हैं। आज हमने सबने सोचा, मिस नाजमा ने, मिस उजमा ने, मिस अनम ने, कि हम सब मिलके मूवीज देखते हैं, छोटी छोटी मूवीज देखते हैं, ठीक है, उर्दू की भी है, इंग्लिश की भी है, ठीक है। और फिर वो मूवीज देखेंगे आप, और उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि उस मूवी में क्या हुआ है, ठीक है, कि आप मुझे बताना है, एक्सप्लेन करना है सब, ठीक है, ठीक है, बोला, ठीक है। ऐसा होता है कि जैसे बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ी है कभी? स्टोरी बुक्स होती हैं और नॉवेल्स होते हैं, उनमें लिखा होता है कि वो किस चीज के बारे में है, ठीक है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि इस किस चीज के बारे में है, ठीक है, ताकि आइडिया हो। हमारी बॉडी है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू अस, हमारी बॉडी। अब्दुल्ला हाथ खड़ा करो, ये आपकी बॉडी है ना, सबकी अपनी बॉडी है, सब हर की बॉडी अपनी है, बिलोंग्स टू उसकी अपनी दाद से, ठीक है। तो नो वन कैन टच दैट बॉडी, ठीक है बजी, ठीक है, ठीक है, आपकी बॉडी को कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है। आपके अम्मी अब्बू कर सकते हैं, आपकी टीचर कर सकती है, ठीक है, आपके दादा, आपके दादी, आपके नाना, आपकी नानी कर सकते हैं, ठीक है। असद कौन कर सकते हैं? कौन कौन टच कर सकता है असद को, बताए असद, असद बताए, शाबाश। मामा मामा पापा वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। जैसे मामा पापा कर सकते हैं, नाना नानी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह। उसके बाद जब आपने टीचर के साथ बैठना होता है, सबके स्पीच होते हैं, मिस नाजमा के साथ कौन कौन स्पीच करता है, कौन कौन स्पीच में कौन कौन जाता है बेटा, कौन कौन जाते हैं स्पीच में, सब जाते हैं ना, ऐसा ही जाते हैं स्पीच में, मिस नाजमा के साथ स्पीच होती है, यस यस बिल्कुल। जब स्पीच में जाना है, जब मिस उजमा के पास आने है, जब मिस नाजिया के साथ बैठना है, तो डिस्टेंस पे बैठना है, बहुत क्लोज नहीं बैठना, ठीक है। और हैंडशेक करना है, किससे हैंडशेक करना है, अपने फ्रेंड से करना है, अपने अम्मी अब्बू से कर सकते हैं, लेकिन टीचर से इस तरह नहीं कर सकते, मेरे से नहीं कर सकते, मुझे सलाम करना है, दूर से सलाम करना है, ठीक है। अभी हम सब वीडियोस में ये देखेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि उन्होंने क्या बताया, ठीक है सारे, ओके, ठीक है। उसके बाद बॉडी में हो, उमेश, उमेश, उसके बाद आपकी बॉडी होती है, उसमें प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, थ्री बेसिक प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, आपकी चेस्ट होती है, आपकी बॉटम होती है, बिटवीन द लेग्स होती है, ठीक है। इसमें कोई भी टच नहीं कर सकता, क्या होता है, कोई भी टच नहीं कर सकता, यस, नो वन कैन टच, अब्दुल्ला कोई भी टच नहीं कर सकता, ओके, ठीक है। आपकी अम्मी कर सकती है, अगर अम्मी नहलाने में मदद कर रही है, ठीक है, अगर अम्मी नहला रही है तो वो कर सकती है। अगर आप बीमार हो गए, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर कर सकता है, लेकिन वहाँ अम्मी अब्बू को खड़े होना चाहिए, ठीक है, ठीक है शारिक, ठीक है, अम्मी अब्बू को खड़े होना चाहिए। असल अगर डॉक्टर के पास जाएंगे या कहीं भी जाते हैं, अभी आपको बैड टच करता है, ठीक है, डराता है, या आपको लगता है कि आप डेंजर में हूँ, मैं खतरे में हूँ, तो क्या करना चाहिए, और उसके बाद वो जगह छोड़नी है, भागना है वहाँ से, ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इधर वहाँ से भागना है, ठीक है, क्या करना है, भागना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है, बताना है, अपने टीचर को बता सकते हैं, सर को बता सकते हैं, मैम को बता सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मिस उस्मा को बता सकते हैं, मिस अनम को बता सकते हैं, ठीक है, कि इस तरह से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, ठीक है, मुझे डर लग रहा है, इन लोगों से मुझे डर लगता है, ठीक है, सबको ये बताना है उसके बाद, ठीक है। और जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसको बताना है, ठीक है, और डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और क्या क्या ये सब काम करने हैं, तो आप कौन बताएगा, अब्दुल्ला स्टैंड अप, दूर से सलाम करना है, अस्सलाम वालेकुम, हैंडशेक नहीं करना, वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर अब्दुल्ला।
ठीक है। उसके बाद देखो अभी क्या कैसा मौसम है, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई है ना, बहुत गर्मी है, पंखे चले हैं और पसीना आता है, तो क्या करना चाहिए? ऐसा नहाना चाहिए ना, साफ सुथरे रहना चाहिए, सुबह नहाना चाहिए, स्कूल से जाके नहाना चाहिए, ठीक है, साफ सुथरे रहना चाहिए। अगर कपड़े गंदे हो गए अम्मी को बताना है, टीचर को बताना है, साबुन से हाथ धोने हैं खाने से पहले, ठीक है, इस तरह के काम करने हैं। और अगर सबद और अब्दुल्ला की लड़ाई हो गई है तो फिर कैसे कर, क्या कर, कौन कैसे मैचअप होगा, कैसे मानेगा? दोस्ती करके और सॉरी कह के, सॉरी में से गलती हो गई है, ठीक है। अब अगर एहसन को सामा से कोई चीज चाहिए तो कैसे मांगेगा कि मुझे ये कलर्स चाहिए, अगर तो सारे कलर्स चाहिए मुझे आपसे, प्लीज दे दो कलर, दे दो प्लीज, ठीक है। पहले सॉरी किया, प्लीज किया, और जब मुझे कलर्स मिल गए तो क्या कहा? थैंक यू। तो थैंक यू, सॉरी और प्लीज क्या होते हैं? मैजिक वर्ड्स, थ्री मैजिक वर्ड्स। कौन कौन से हैं? थैंक यू, रिपीट, सॉरी, प्लीज, ये क्या है? मैजिक वर्ड्स, ठीक है। इनको यूज करना है, इनको अपनी टीचर के साथ यूज करना है, सर के साथ यूज करना है, मिस नाजमा के साथ यूज करना है, मिस अलम के साथ, सब टीचर्स के साथ, सबको प्लीज कहना है, थैंक यू करना है। अगर आप घर में अपनी मेट्स के साथ, स्कूल में मेट्स के साथ, सबसे बहुत अच्छे मैनर्स से बात करनी है, ठीक है। सब अपने लिए क्लैपिंग करें, थैंक यू। और अब मूवीज देखें, और मिस नाजमा मूवीज दिखाएंगी, ठीक है, हम सब देखेंगे, और फिर मिस नाजमा आपसे क्वेश्चन करेंगी, उसके आंसर भी देंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम, डेंजर जगह पे टच कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग जोर से चिल्ला सकते हो? हाँ। चिल्ला के दिखाओ मेरे को। सब चिल्ला कर सकते हैं, शाउट आवाज निकलती है जी, निकालो। अरे बाप रे, मुझे एक आदमी का नाम लो जो आपको लगता है ये मेरे भरोसे का आदमी है, जिस पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ, उसको जाके मैं बोल सकता हूँ, जो आपका बॉडी गार्ड है। हाँ, सब आप लोग। अच्छा, सब सब किस पे ट्रस्ट करते हैं, कौन है बॉडी गार्ड उनका? ओके, कौन है? बॉडी गार्ड कौन है? खुद हो सर। ओके, जो बस आपको कौन है बॉडी गार्ड, कौन अच्छा लगता है, किसको हर बात बता सकते हो? वेरी गुड। असद, पापा। शारे, फ्रेंड को भी बता सकते हो? यस, फ्रेंड को। मैम को। मैम को, अच्छा मैम है इतनी बड़ी। अहमद अब्दुल्ला, आप बताए? अहमद अब्दुल्ला, आपका कौन है फ्रेंड सबसे अच्छा? मामा। क्लैपिंग करो सब अहमद के लिए। वेरी गुड, बॉडीगार्ड को बोल के, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। तो ये वर्कशॉप करने में हमारी मदद डॉक्टर भूषण शुक्ला ने। चलें, अभी जबल आप खड़े हो। शाबाश, आप बताइए इसने क्या कहा है वीडियो में? किसी को भी टच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन से बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे टच नहीं करना चाहिए? तीन बॉडी पार्ट्स है, कौन बताएगा? असद, बैठ जाए। असद खड़े हो जाए बेटा, शाबाश, बताए कौन से बॉडी पार्ट्स है जहाँ पर किसी को टच नहीं करने देते? कमर और yes, bottom, chest, part between the legs, ठीक है, बैठ जाए। अल्लाह है। शारिक, आप खड़े जाइए बेटा। अल्लाह, आप बताएं कौन से बॉडी पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर किसी को टच नहीं करने देते? पापा को, ओके, अच्छा वो कौन से
बॉडी पार्ट्स है जहाँ पर किसी को टच नहीं करने देते, किसी अंकल को, किसी आंटी को, किसी को टच नहीं करने देते। कौन से? नहीं करने देते। बॉटम, बॉटम जहाँ पर टच नहीं करने देते। और अंकल अंकल को नहीं करते। ओके ठीक है फाइन। विशारी के लिए क्लैपिंग करते सब। वेरी गुड विशारी। अमीर हमजा, अहमद अब्दुल्ला, अहमद अब्दुल्ला खड़े हो जाए। अहमद बताएं आप किस किस को टच करने देते हैं और किस को टच नहीं करने देते। कौन टच कर सकता है आपको? मामा, मामा कर सकती हैं। और बाबा, भाई, भाई हाँ चलो भाई दे। और अच्छा कौन टच नहीं कर सकता ये बताएं। कौन नहीं टच कर सकता? अंकल, अंकल नहीं कर सकते। चाचा भी नहीं कर सकते। कर सकते गॉड, गॉड बॉय हम कुछ नहीं। और ड्राइवर भी नहीं कर सकता है ना, ड्राइवर भी नहीं कर सकता। बस मेरे बेटे के लिए सब तैयारी करो। कितना अच्छा बताया है। चल बैठ बैठ। What is the safe circle? Safe circle is a circle which your parents will make for you. It will have pictures of people who you can trust. Safe people will always love and protect you. Momina? Momina? कौन कौन हमें टच कर सकते हैं? Momina? खड़ी हो जाए मोमिना, खड़ी हो जाए बेटा, शाबाश। आप बताएं इधर देखिए कौन कौन टच कर सकता है? मामा कर सकती है गुड। और बाबा, और अच्छा कौन टच नहीं कर सकता? कौन नहीं कर सकता टच? अंकल और आंटी या कोई भी बाहर का जो बंदा है ना वो आपको टच नहीं कर सकता। गॉड ठीक है। वेरी गुड। क्लैपिंग करें मोमना के लिए। जब कोई बैग टच करता है तो अगर मामा पापा को नहीं बता सकते या मामा पापा घर पे नहीं है तो किसको बताना चाहिए? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड अगर घर पे नहीं है तो आप सुबह स्कूल आते हैं तो किसको बताना चाहिए स्कूल आकर? योर टीचर, टीचर, सर इज योर टीचर, मैम इज योर टीचर, आई एम योर टीचर। टीचर से कुछ भी नहीं छुपाना ठीक है। अगर कभी ऐसा होता है कि मामा पापा से बात करने का टाइम नहीं मिल रहा, कोई मेहमान आए हुए हैं ठीक है, मामा पापा कहीं जाना है, बची मामा पापा ने कहीं जाना है तो फिर किसको बताना है? टीचर को। टीचर को सब पता होना चाहिए। टीचर को सब पता होता है, टीचर को मैजिक से पता लग जाता है सब ठीक है। सारे किसको बताना चाहिए? टीचर को। यस अब्दुल्ला किसको बताना चाहिए? ऊपर देख के बताएं टीचर को ठीक है। शरियार, शरियार किसको बताना चाहिए? टीचर को। और किसको बताना चाहिए? टीचर के बाद किसको बताना चाहिए? टीचर के बाद और किसको बताना चाहिए? फिर दोबारा टीचर को बताना चाहिए। मामा को, पापा को ठीक है। अगर एक टीचर नहीं, अगर एक टीचर बिजी है दूसरी टीचर को बताना चाहिए। टीचर नहीं सुन रही तो फिर किसको? फिर मैम को बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए ठीक है। चले सब अपने लिए क्लैपिंग करें। इट्स अबाउट थ्री मैजिक वर्ड्स जो मैंने आपको बताया था। थ्री मैजिक वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? हैदर, थ्री मैजिक वर्ड्स कौन कौन से हैं? से सॉरी, सॉरी। अब्दुल्ला से प्लीज, नो प्लीज, प्लीज। जबल से थैंक यू, थैंक यू। असद कौन कौन से तीन वर्ड्स? सॉरी और प्लीज एंड सारे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी। यस क्लैपिंग, वेरी गुड। ये वर्ड्स यूज करने हैं ठीक है, जब किसी से कोई चीज मांगनी है, जब कोई चीज दे दे ठीक है, या कोई मिस्टेक हो जाए ठीक है। चलें
अब रिजल्ट लगाए सर।